नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां नगर परिषद अकोड़ा के ग्रामवासियों की परेशानी पर अंकुश लगाने के लिए भिंड विधायक माननीय संजीव सिंह संजू के द्वारा 58 लाख रुपए की लागत से गौशाला का निर्माण कार्य 2 माह पहले से चालू किया गया था, जो अब 1 माह के उपरांत फरवरी में अकोड़ा वासियों को आवारा मवेशियों से निजात मिल सकेगी। नगर परिषद अकोड़ा मुख्य अधिकारी राम भान सिंह भदौ ने जानकारी देते हुए बताया कि गौशाला बनने के बाद ग्रामीणों को फसलों के नुकसान से बचाया जाएगा। गौशाला निर्माण के बाद नगर परिषद के द्वारा ग्रामीण परिवार के लोगों को रोजगार से जोड़ने के विकास कार्य भी किए जा रहे हैं। गौशाला में भूसा भरने के लिए कक्ष, पानी की सुविधा के लिए बोरवेल, पशुओं की सानी के लिए रिडोली, टीन सेट आदि का निर्माण किया गया है। वहीं जिला प्रशासन की तैयारी है, करीब 20 सालों से अकोड़ा में गौचर की पड़ी खाली भूमि पर आम नागरिकों का अवैध कब्जा है, जिसको भी बहुत जल्द कार्यवाही कर खाली करवाया जाएगा। गौचर की करीब 900 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा, जिसको मुक्त कराने के बाद मवेशियों को पेट भर भोजन भी उपलब्ध हो सकेगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। ये नगर परिषद अकोड़ा में जो गौशाला का निर्माण कार्य चल रहा है, वो अभी 2 महीने हो गए हैं इसको, और जो है करीब करीब 15-20 दिनों लगेंगे ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। कितनी लागत से बन रही है ये गौशाला? ये गौशाला का जो है इसकी लागत जो है 58 लाख लगी, करीब 58 लाख के लगभग। गौशाला के आसपास गौशाला की ही जमीन बताई जाती है, गौचर की जमीन काफ़ी हद तक लोग घेरे हुए हैं, उस पर भी अभी तक नगर पालिका ने स्वतंत्र नहीं करा पाई है जमीन। कब तक स्वतंत्र कराने की यहाँ पहल होगी? उसके लिए अपन कार्रवाई कर रहे हैं, और ये अपन गौचर की जमीन जल्दी से जल्दी मुक्त करा लेंगे। अभी SDM साहब से मेरी बात हुई है, उनका कि जो है प्रस्ताव बना के लाओ, अपन जो है ये कार्रवाई करते हैं। इस पर किसी ने आपत्ति भी लगाई थी गौशाला की जमीन पर? ये जो गौशाला बनाई जा रही है, यहाँ पर गौशाला ना बने, इस पर लोगों ने आपत्ति लगाई थी जी। फिर क्या हुआ इसका? वो आपत्ति का निराधार थी, इसमें उन पर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे इसमें, तो वो जो है वो कुछ दे नहीं पाए अपन सबूत अपन को। तो क्या सुविधाएं मिलेगी यहाँ लोगों को जब यहाँ गौशाला बनकर? अब यहाँ जो है बहुत सी गायें जो है इधर उधर फिरती हैं, लोगों को जो है खेतों को नुकसान करती हैं इसमें, तो उसे निजात मिलेगी और ये सब गायें जो है यहाँ सुरक्षित रहेंगी।